एक और चीज काफी देर से मैं नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ मुरझा हुआ है, ये देखो इसका फेस। हाँ से पूरा कोलकाता का व्यू आ रहा है, इसे देखो भैया। तो चिकन में ज्यादा हड्डी दिए थे, साथ में कुत्ता लेके आया तो उसको भी थोड़ा खिलाना है। सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, स्वागत करता है कौन है वीडियो में। और गाइस आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हाँ मुझे पता है वीडियो थोड़ा लेट से अपलोड रहा है क्योंकि मैं राखी के लिए गांव गया था, तो उसका भी ब्लॉग मैं 3-4 दिन बाद अपलोड कर दूंगा, जिससे मैंने बताया कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा बिहार में। इस कैफे का आप लोग नाम दे रहे टाइटल में, उस कैफे का वीडियो बनाने के लिए हम लोग 2 महीने से इंतजार कर रहे थे। जस्ट बिकॉज गाइस जब हम लोग इस कैफे का वीडियो बनाने गए थे तो उससे पहले हम लोग लिक्वा रूफटॉप कैफे जाना चाहते थे, बट उस समय उसका काम चल रहा था इसलिए हम लोग जा नहीं पाए। बट फाइनली आज हम लोग उसको फोन किया, दोनों ने बोला कि कैफे ओपन हो चुका है, तो हम लोग सोचा कि चलो आज वहीं भी जाकर वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना सुंदर है कैफे। सच कह रहा हूं गाइस, माइंड ब्लोइंग है। और हां गाइस, कैफे का पूरा इन्फॉर्मेशन वीडियो में है, तो वीडियो एंड तक देखना और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं लिक्वा रूफटॉप कैफे, ठीक है। और मैं बता दूं एंट्री का समय आपको ये बिल्डिंग में ढूंढना पड़ेगा, देखो बिकॉज बहुत जन को पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेंसस बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग का टॉप फ्लोर में है और एंट्री आपको यहां से होगा, देखो ये गेट है, ठीक है। अगर बाइक वाइक लेके आते हो तो पार्किंग के लिए ये सब जगह है, मैं वहां पे बाइक लगा दिया हूं, अब यहां से एंट्री करूंगा। पता नहीं वीडियो करना अलाव है कि नहीं, बट हां जगह तो काफी अच्छा लग रहा है। आ जाओ। सो गाइस यहां से एंट्री है, ठीक है। और जो कैफे है 12th फ्लोर में, यहाँ दीप है, ये बटन है तो इदे, 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 खुला है। चलो ये वाला खुला है। वास्तव में इतना धूप था, इतना धूप था, इतना प्रॉब्लम हो रहा था ना, क्या बता, मतलब पूरा माथा खराब हो गया मेरा। और गाइस तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लिक्वा रूफटॉप कैफे, काफी दिन से इंतजार कर रहे थे। और मतलब लिफ्ट पूरा 12th फ्लोर आओगे तो गेट के सामने रिसेप्शन दिखेगा, रिसेप्शन ही है ना भैया, रिसेप्शन दिखेगा आपको। और यहाँ से चलते ऊपर सर किचन है, काफी जल्दी आगे लग रहा है। एक्चुअली जल्दी आना ही पड़ा, वीडियो बनाना पड़ता है तो थोड़ा। ओह माय गॉड, सीरियसली यार, इतना अच्छा कैफे, विश्वास ही नहीं हो रहा भाई। ओह माय गॉड, सचो यार, क्या ब्यूटीफुल है, सच बता रहा हूँ। और मैं कुछ खाया नहीं, इसलिए मैं थोड़ा जवान अटक जा रहा है, मैं हकला जा रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करो। कुछ खा के नहीं आया हूँ, ठीक है, मतलब थोड़ा जल्दी आना था। अभी कोलकाता में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, मतलब रोज लगभग बारिश हो रहा है, तो जल्दी जाऊँ तो वीडियो बना पाऊंगा। ऐसे काफी तो सुंदर है, प्लस यहाँ से जो नजारा है ना काफी मस्त लग रहा है, मतलब आसपास से देख रहा हूँ, मतलब 12th फ्लोर में तो सोचो कितना अच्छा नजारा लग रहा है ऊपर से, मतलब माइंड ब्लोइंग। उस साइड में गया नहीं, उस साइड जाऊंगा तो मेरे को पता चलेगा वहां से कैसा दिख रहा है, बट ये देखो माइंड ब्लोइंग, जस्ट माइंड ब्लोइंग, मतलब अनएक्सपेक्टेड वाले ये। वेट अ मिनट, तो बता ठड़की बना करके कैसा लगा, जहाँ जाता हूँ शुरू हो जाता है, बता। नहीं नहीं अबे फोन गिर जाएगा पगला पानी में। क्या बोला तूने, काला कलुटा कहाँ जा रहा था, लड़की मिल जा रहा है बहुत ना तेरा। देखा अपने लापरवाही का नतीजा है, ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। तो मैं अभी सामने से दिखाता हूँ, ये देखो वहाँ भी बन रहा है, तो वो अभी ओपन नहीं हुआ है बट टाइम लग गया उसको, ठीक है। ये देखो गाइस यहाँ से काफी मस्त लग रहा है, मतलब लुक तो काफी अच्छा है, ये देखो झकास लग रहा है यहाँ से। ओ और धूप काफी ज्यादा है, तो भैया ने बोला कि अंदर ही बैठने का जगह है, तो फिलहाल थोड़ा देर के अभी अंदर जाते हैं, ठीक है। वो काफी ज्यादा धूप और देख रहे, मेरा आँख बंद हो जा रहा है, तो फिर अंदर जाते हैं। तो बारिश वगैरह हो तो है, बैठ सकते हो। अच्छा एक बात बता, कैसा लगता है जब गंदा शक्ल में भी लड़कियां मड़ में मरती हो तो कैसा लगता है? मतलब इतना गंदा शक्ल को पसंद करके लड़कियां बुलाती है, कैसा लगता है? लड़की से पूछना पड़ेगा, ऐसा बात है? वो मुझे लग रहा ना मैं तेरा साथ हूँ, इसलिए तेरे को बुला रहा है। एक और चीज काफी देर से मैं नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ मुरझा हुआ है, ये देखो इसका फेस। ओह नो, क्या हुआ, तुम्हारी हंसी कहाँ चला गया, रो रही हो क्या, क्या हुआ दोस्त, क्या हुआ, फ्रेंड है मेरी, फ्रेंड। और गाइस तो अभी थोड़ा ठंडा हुआ और हवा चल रहा है तो यहाँ आके बैठे हैं। और हाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे अल्कोहल भी मिलता है, बहुत जो ज़्यादा शौक होता है पीने का तो अल्कोहल मिलता है,
तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। और हाँ, अभी भी मतलब इसका डेकोरेशन चल रहा है, तो थोड़ा बहुत हो सके आपको वीडियो में लग रहा है गंदा वंदा है, बट नहीं, थोड़ा और टाइम लगेगा, मतलब एक दो महीना और लगे इसको अच्छा सजाने में। बट लोग ओपन कर दिए हैं और ओपन करने के बाद इससे और अच्छा दिखने वाला है, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। यहाँ से पूरा कोलकाता का व्यू आ रहा है गाइस, ये देखो 12 फ्लोर है, इसलिए पूरा पूरा दिख रहा है। मतलब ऑब्वियसली कैमरा तो उतना जूम वाला नहीं है, तो मैं जूम करके दिखाऊं, बट यहाँ से आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि कितना बड़ा है ये, मतलब कितना ऊंचा है। और पूरा कलकत्ता का नज़ारा, आसमान देखो, अभी पूरा बारिश होने का पूरा मौसम है, हो तो और अच्छा है, मतलब वीडियो तो बना ही लिया ऑलमोस्ट, हो तो और भी अच्छा है। ये देखो, ओह गाइस, सबको पता होगा जब भी मैं कैफे जाता हूँ तो मेरा खाना जो है बच जाता है हमेशा की तरह, और हड्डी वगैरह भी लास्ट में बच जाता है, तो इसलिए आज मैं कुछ साथ में कुत्ता लेके आया हूँ। ये देखो, जो आज का हड्डी है फिनिश करेगा, मतलब खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो हड्डी हो चाहे कड़ा कुचरा कचरा कूड़ा जो भी हो, ठीक है उतना हकला गया, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए इसको लेके आया। फोन गिर जाएगा, मैं उधर रहूँ तो ये आज खाने तो गाइस भैया ऑर्डर लेने आ गए हैं, अभी देखते हैं ऑर्डर क्या करेंगे। हेलो, जो भी लेना है लो ना, ठीक है जाकर राम से बोले थोड़े दिन आर फिश की आज उम्र किसने नहीं लाइक टू ग्रेवी टाइप ऑफ द फिश, मैंने चिकन चिकन बोलते सो उसको झोल चाटने का आदत है, इसलिए ग्रेवी मांग। ओह नो, गजब बेइज्जती है। अब भैया उसको चिकन में ज्यादा हड्डी दी गई थी, साथ में कुत्ता लेके आया तो उसको भी थोड़ा खिलाना है। सच में मत दीजिए भैया हड्डी वड्डी, उसके बाद ये मार खाएगा। और गाइस, तो फाइनली हम लोग का हुक्का आ चुका है, ठीक है, और हमेशा मैं तो ट्राई करके दिखाता हूँ कैसा हुक्का, बट मुझे लगता है कि हुक्का सेम ही होने वाला है, ठीक है। गाइस, मैं लगभग बहुत जगह भूखा पीता हूँ, लगभग सेम ही है, मतलब अच्छा है, ख़राब तो नहीं है, अच्छा है, काफ़ी स्मूथ भी है और गला में नहीं लग रहा है। और हाँ, ये मैंने मंगाया है सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है, मतलब मैं दिखाना चाह रहा कि यहाँ पे मिलता है, तो इसीलिए मैंने एक ले लिया और ये वापस कर दो, ढक्कन खुला नहीं है। देखो चले, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। इसका प्राइस बोल रहा हूँ, जिसका प्राइस 75 रुपीज है, बट 300 लिया है इसका। मेरा मुँह से थूक निकला और इस ग्लास में चला गया, अभी ये वाला ग्लास ले लो। जो करो बहुत अच्छा सीन आने वाला है। देखो मेरे पीछे, देखो कितना मस्त सीन आ रहा है, यहाँ बीच में खड़ा हूँ, मस्त सीन आ रहा है। उधर बैठने का जगह है, उधर है, और वहाँ पे रिसेप्शन, वहाँ मोकटेल वगैरह जो जो भी करते हैं वहाँ पे, जो लोग जिस चीज का बना गया है वहाँ पे होता है, और इधर भी बैठ सकते हो आप लोग। और ये वाला भैया ने बोला कि यहाँ पे मतलब जाना अलाउ नहीं है, इसके बारे में को पता नहीं, मतलब इसी का पार्ट है क्या या फिर अलग पार्ट है ये मेरे को नहीं पता, बट हाँ ये सामने वाला पार्ट इन लोग का है, तो इसका तो मैं बताया पहले कि टाइम लगेगा बनाने में। और गाइस, अगर मेरे वीडियो कोई ब्लॉगर देख रहा है तो यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो आप लोग आके वीडियो बना सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे आके स्विमिंग करना चाहते हो तो उसकी टाइमिंग सुबह 8 से 9 बजे तक है, हालांकि वहाँ पे लिखा हुआ है सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, बट भैया ने भैया से पूछे तो भैया बोले कि सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे तक चालू रहता है, तो आप लोग आके यहाँ पर स्विमिंग कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा, हाँ काफ़ी गड्ढा भी है, मतलब गोट तो भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरा ख्याल से। और यहाँ पे चेंजिंग रूम है, जो कभी स्विमिंग करके आएंगे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और वो वाला पार्ट पता नहीं क्या है। और वॉशरूम जो है इसके पीछे, अगर आप लोग आते हैं तो ये वाला लिखा है, इसके जस्ट राइट साइड में वॉशरूम है। गाइस, हमेशा की तरह हर कभी जो गाना पीछे से बजा देते हैं, तो पीछे में गाना चालू हो गया, मैं बोलूंगा नहीं बिकॉज और भी लोग हैं, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और हम लोग का फाइनली जो है खाना आ चुका है, खाना मतलब ये लॉलीपॉप है ना, ड्रम्स ऑफ हेवन आ चुका है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा से डेकोरेट किया गया। देखो ये देखो, इसको सजा के दिया है, क्या है इसको, साथ गाजर को फूल बना के दिया है, जैसा ही फूल हो, बट ये फूल को तो हजम नहीं करूँगा। ये देखो, बहुत अच्छा। गाइस, तो हम लोग का एक और आ गया डिश, ये फिश था ना, ये फिश है, देखो इसको भी अच्छा से, वाह मतलब सर्व करने का तरीका काफ़ी माइंड ब्लोइंग, मतलब काफ़ी पसंद आया। और ये देखो, इसको भी एक अच्छा से पत्ता काट के बनाया है, सही है, बट ये भी मेरे पेट में जाने वाला है, और ये भी मैं हाथ से खाऊंगा, गर्म है खाओगे। खाना खाते, काफी मस्त खाना है, खत्म करते हैं इसको।
तो गाइस हमने एक और डिश ऑर्डर किया था, इसका नाम है पैन फ्राइड चिली पीस। उसमें खाते हैं अच्छा लगता है, नमक ज़्यादा है, टेस्ट सही है बट थोड़ा सा लगा कि नमक ज़्यादा है। ठीक है कोई बात नहीं, जब ऑर्डर कर लिया तो खा लेते हैं। खाओ वेस्ट नहीं करना चाहिए, हड्डी खाने का है ना। इसका हड्डी नहीं होता, फिश का हड्डी होता है। क्या बोला, जब खाया तो मेरे को नमक ज्यादा लगा, तुमको कैसा लगा? नमक ठीक है इसका? मेरे को ठीक ही लगा। इसको ठीक लगा ना, पता नहीं मेरे को क्यों ज्यादा लगा। तेरे को नमक ज्यादा है। सो गाइस ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, मैंने उससे बोला था कि मेरे को पता नहीं इसका पार्ट है कि नहीं, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, अभी तैयार नहीं हुआ है बोलकर यहाँ पे अलाउ नहीं जाना, बट इसी का पार्ट है। और हाँ, काफी देर से मेरे को वेट करा रही है, मेरे को थोड़ा काम था तो जल्दी जाना था। ये बोल रही कि थोड़ा रात होने दो, उसके बाद रात का ही सीन दिखा के जाएंगे, तो मेरे को पता है कि रात को कैसा दिखने वाला है। तो काफी देर वेट करने के बाद, मतलब मेरे को काफी देर से वेट करा, ये दो ऐसे हम लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, शाम का वेट किए और अभी 6 बज रहा है। ठीक है, हम लोग सोचते थे कि लाइट वेट चलेगा तो रात को ही सीन आपको दिखा देंगे कैसा दिखता है, बट एज मैंने कहा था कि हाँ अभी ये तैयार हो ही रहा है तो लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत जल रहे हैं। देखो स्विमिंग पूल में थोड़ा बहुत लाइट, उधर थोड़ा बहुत लाइट जल रहा है, उधर भी लाइट जलता है, तो अभी नहीं जल रहा है। तो हम लोग सीधे यहाँ जाएंगे घर, बिकॉज इतना देर वेट के कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कभी फिर और आएंगे जब सही तरीके से तैयार हो जाएगा तब। ऑलराइट गाइस, मैं वीडियो पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर गाइस मुझसे पूछोगे कैफे का एक्सपीरियंस के बारे में, तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। फूड का बात करो तो फूड का प्राइस जो मुझे लगा थोड़ा सा हाई है, थोड़ा कम रहता तो हो सके कैफे में ज्यादा भीड़ लगता। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैंने फूड का मेन्यू जो है लास्ट में दे दिया है। अगर आप लोग वहाँ जाकर स्विमिंग करना चाहते हो तो स्विमिंग करने के लिए आपको 500 पर पर्सन 5 आवर करके देना पड़ेगा। स्विमिंग का टाइम मैंने बताया था 8 से 9 बजे तक, बट ये गलत है, स्विमिंग का टाइमिंग है सुबह 6 से 10-11 बजे तक। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था और मेरा खाने का बिल जो हुआ 2700 हुआ, बिकॉज हम लोग 3 जन थे और हम लोग सिर्फ स्टार्टर ही ऑर्डर किया था। जैसा कि मैंने बताया कि फूड का प्राइस थोड़ा सा हाई है, तो अगर आप लोग जाओ तो जा सकते हो, जाकर ट्राई कर सकते हो कि यहाँ कैसा है कैफे, और मेरे को बताना एक्सपीरियंस यहाँ कैसा लगा। और इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो भी कर लेना। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चाहते हो इस तरह का फालतू ब्लॉग बनाता रहूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है कौन है वीडियो में कौन है ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहो, दोस्तों खुश रहो, टाटा।